अस्सलाम वालेकुम शदाब भाई। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आज मेरा टिकट आ गया शदाब भाई, माशाल्लाह आप ही की मबरूक। बदौलत है शदाब भाई सब कुछ। सऊदी अरब जा रहे हैं ना? जी शदाब भाई, शदाब भाई जिस एजेंट से आपने मेरा वीज़ा करवाया था ना, थोड़ा आप उनसे कह देंगे कि मुझे वहाँ पे कोई परेशानी ना हो, सैलरी मुझे टाइम पे मिलती रहे, मतलब कोई चीज़ में मुझे परेशानी ना हो, आप कह देंगे तो मेरा वहाँ पर सही हो जाएगा। सऊदी में मेरा फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा घबरा रहा हूँ मैं, डर है एक दिल में थोड़ा सा। 8 तारीख की फ्लाइट है। जी 8 तारीख की फ्लाइट है मेरी शदाब भाई, आपको तो सब पता ही है बैठ जाओ आप। बैठ जाओ। शुक्रिया शदाब भाई। हाँ मैं तो उससे बोल दूंगा, लेकिन एक चीज का तुम भी ध्यान रखना भाई, कि जी शदाब भाई, जब हम लोग सऊदी अरब या गल्फ में दुबई में जाते हैं ना, जी तो बहुत लोग हमें ऐसे मिलते हैं कंपनियों में क्या या आस पड़ोस में क्या, जी जो लोग अलग अलग बात करते हैं। सही है रे। वो तुम जैसे जाओगे तो वो तुम्हें कहेंगे, अरे यहाँ तो सैलरी नहीं टाइम पे मिलती, यहाँ तो खाने की परेशानी नहीं है, यहाँ तो सोने की परेशानी नहीं है, कमरा छोटा है, मैं भी बस इसी साल टाइम पूरा करके घर चला जाऊँगा। मतलब बहकाते हैं, हाँ, इस तरह से कुछ बातें करते हैं, लेकिन तुम्हें किसी के बहकाए में नहीं आना, ठीक है शायद भाई, तुम्हें किसी के बहकाए में नहीं आना। बहकाए में नहीं आना। जी, यहाँ से जा रहे पैसा लगा के, बिल्कुल शादाब भाई, एक हौसले के साथ जा रहे, एक उम्मीद से जा रहे कि बिल्कुल मुझे शादाब भाई, काम करना, बिल्कुल अपने शादाब घर भाई। वालों के लिए पैसा कमाना है, जी तो जाओ तो बात बर्दाश्त करके काम करना, इंशाल्लाह शादाब भाई, किसी के बहकाए में नहीं लगा। बिल्कुल नए आदमी के साथ सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जैसे ही वो सऊदी अरब जाता है, जी तो जो आसपास के लोग हैं, यार दोस्त मिले हैं या कंपनी के लोग मिले हैं, तो वो बहकाते हैं पूरा। बिल्कुल कुछ अच्छे भी हों सही बात है, जो जो सपोर्ट करते जो हैं। सपोर्ट करें, जो हौसला दें, जी 100-200 रियाल तुम्हारे खर्चे को भी दे देंगे। बिल्कुल मोहब्बत में, हाँ, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो ऐसी बात करेंगे तुम्हारे साथ कि तुम्हारा दिल उखड़ जाएगा। बिल्कुल शादाब भाई सही कह रहे हैं। अपनी परेशानी बतलाएंगे कफिल की, या कि जहाँ तुम स्पॉन्सर है तुम्हारा, उससे उसकी तुम्हारी बुराई करेंगे, जी उसकी बुराई करेंगे, यानी 100 में से 80 तो ऐसे मिलेंगे जो दिल उखाड़ देंगे बिल्कुल। बिल्कुल तुम्हें इन चीजों से परहेज करना, इंशाल्लाह बात शादाब भाई, सबकी सुननी। परहेज करना है हाँ भाई। देखो, ना तो इसमें एजेंट का कोई खास ज्यादा रोल होता, जिस आदमी से मैं आपको भिजवा रहा वो बेहद अच्छे इंसान है, जी, खराब लोग भी हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिससे मैं तुम्हें भिजवा रहा ये आदमी बहुत अच्छा है। ये जब भी वीजा लेता है और बात करता है, तो ये बिल्कुल खुल्ला खुल्ला क्लियर बात करता है। ऐसा होना भी चाहिए शायद भाई। हाँ, जो तुम्हारा स्पॉन्सर होगा, जी कफिल बोलते हैं उसको, कफिल है या बॉस कोई भी होगा, जी उससे प्यार से बात करना। वहां जाके, हाँ जी 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 यस आईवा यस। हाँ हाँ वहाँ की तो उसमें, जब तुम उसकी, अच्छा, बहुत सऊदी खराब भी हो, बहुत बिल्कुल स्पॉन्सर खराब भी हो, लेकिन वो तुम्हारी बातों से तुम उनका दिल जीत सकते हो, हाँ, वो हमारे ऊपर है, हम किस तरह से उनके सामने पेश आते हैं। पेश आते हैं। जी अगर जो तुम उनकी 6 महीने, हाँ मैं हार, अच्छा जी, ये 6 महीने का कोर्स होता है, वहाँ जाके, 3 से 4 5 6 महीने का, जी उसके बाद तुम बिल्कुल वहां के रंग में रंग जाओगे, जी जी सही कह रहे हैं आप। तुम्हारा जी भी लगेगा, तुम्हारा जो है मन भी लगेगा। जी 6 महीने, छः जी महीने बिल्कुल तो मुसीबत आनी आनी है नए आदमी को, ये सोच के जानना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि जब आदमी इधर से नया आदमी जाता है सऊदी अरब के अंदर, जी जी तो उसका दिल नहीं लगता, सही कह रहे हैं ऊपर से लोग उसे बहका दें, बिल्कुल क्योंकि वो बच्चे छोड़ के जावे, बहन छोड़ के जावे, माँ छोड़ जी के जी जावे, तो उसका दिल उखड़ा उखड़ा रहे। नई जगह जाके थोड़ा सा अपना घर की भी हाँ, याद आती है। बस हाँ सही वो कह रहे हैं, 6 महीने का ही कोर्स है जो तुम्हें बड़े सब्र के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ बिताना। बिल्कुल और आजकल एक चीज हो, आज दौर बदल गया, पहले जैसा सऊदी नहीं रहा, अब अलग हो गया अब अलग हो गया, अब सब कुछ कंप्यूटर राइज है, ना तो तुम्हारी कोई सैलरी रोक सकता, सबसे ना अच्छी तुम्हें बात है, परेशान कर सकता। जो बिल्कुल एग्रीमेंट में आपको काम दिया, जो एग्रीमेंट में आपको टाइम दिया, जी उसी एग्रीमेंट से वो लोग काम करेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन
गवर्नमेंट जी सऊदी की बहुत सतर्क है, हिम्मत से काम लेना, डरना नहीं किसी से भी, इंशाल्लाह शादाब है, बिल्कुल जो तुम्हारा हक है उसे मांगो, और जितना तुम 6 महीने बर्दाश्त सब्र प्यार से काम ले लोगे हर इंसान से, जी वो जी चाहे वहां का कर्मचारी है, वो चाहे तुम्हारी कंपनी का कर्मचारी है, चाहे तुम्हारी कर्मचारी का बॉस है, या तुम्हारी कंपनी का स्पॉन्सर है, सबसे या प्यार से, सऊदी है, सबसे प्यार से रहना। सबसे प्यार से रहना है और बहुत अच्छे तरीके से रहना है। 6 महीने ये सोचना कि मैं अभी बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं मुझे पता, बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उस रब की जात से उम्मीद है, अगर जो तुमने 6 महीने अच्छे से वहां पे गुजार दिए, यकीनन तुम वहां से पैसा कमा के लेकर आओगे, इंशाल्लाह और शादाब, उस पैसे से तुम अपने घर पे भेजोगे, तुम्हारा परिवार खुश रहेगा। अगर जो तुमने यहाँ पर पैसे भेज दिया तो कुछ काम भी कर लोगे, सही बात, मकान बना लोगे, बिल्कुल बहन की शादी का कोई प्रोग्राम है वो कर लोगे, बिल्कुल शादाब भाई, अपनी जमा जोखो कर लोगे। सही बात है। इन 6 महीने में मुझे यही सोचना कि हर चीज को हाँ इग्नोर करके भाई, हाँ ये सोचना कि मुझे अब यहां से कुछ करके ही हाँ जाना है, कुछ बन के ही जाना है। हाँ बस मैं तुम्हें लास्ट बार और बतला दूं, कुछ लोग जरूर ऐसे मिलते हैं जो बहकाते हैं, बिल्कुल शादाब अरे भाई, ये सही, काम तो बहुत भारी है, अरे यो सऊदी तो बहुत बेकार है, ये तो सैलरी भी नहीं देने का, जी, ये तो इतना काम है, मैं तो खुद यहां से भागने वाला। अच्छा भाई अच्छा भाई अच्छा भाई, सैलरी की चिंता नहीं करनी, सैलरी तो मिल वो जाएगी, आप लोग बता जैसे ही रहे महीना होगा तुम्हें सैलरी 100% देंगे, क्योंकि अब सब कुछ कंप्यूटराइज है, तुम्हारा खाता बैंक में खुलेगा, जी। एकामा जैसे ही बनेगा 2 से 1.5-2 महीने बाद तुम्हारा एकामा बन जाएगा, जी, मेडिकल हो गए, और उसी से टच हो गए तुम्हारा अकाउंट खुल जाएगा सऊदी में, सऊदी के अंदर, ये अलाउ है वहां पे, अच्छा, डरने की कोई बात नहीं है, जी, अब हर कर्मचारी का वहां पर अकाउंट अलाउ है गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं तो मुसीबत में वे लोग आएंगे अगर जो तुम्हारा अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, और जैसे ही अकाउंट खुला अब टेंशन दूर, ऑटोमेटिक सैलरी तुम्हारे खाते में, चलता भाई, फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और वहां पे किसी से भी 1-2 महीने बाद तुम्हें खुद खुद को पता चल जाएगा, जी, किसी से भी मालूम कर लेना, उसी में एक ऐप से जो इंडिया में पैसे भेज सकते हैं, अच्छा, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, नहीं भी पता 1-2 महीने बैंक में जाओ, जी अपना पूरा एड्रेस लेके, बैंक अकाउंट लेके इंडिया का, जी वहां पे वो दे दो पर्चा, वो तुम्हारे पैसे 1-2 दिन में धरा जाना। थैंक यू ज़्यादा भाई, छुट्टी का कोई ऐसा वो ना करियो, छुट्टी में अपने घर पे रहो, खाओ पियो अच्छे से, ये सोच के चलो कि ये दिन खटखट खटखट कट जाएंगे, कट जाएंगे, 2 साल का एग्रीमेंट है आपका, जी, ज़्यादा भाई, और 1600 प्लस खाना, 1600 रियाल प्लस खाना भी है, अच्छा, या तो तुम्हें 300 रियाल देंगे एक्स्ट्रा, या तुम्हारे खाने का बंदोबस्त जो एग्रीमेंट में है, ठीक है, मन लगा के काम करो, इंशाल्लाह, 6 महीने हाँ जी करो, 6 महीने के बाद किसे हाजी करना किसे नहीं करना तुम्हें खुद पता चल जाएगा, जी, 6 महीने बाद तुम वहां कर रंग में रंग जाओगे, सही कह रहे हैं जनाब फिर भाई, तुम दूसरे लोगों को बात बताओगे, और फिर तुम ये बात मेरी याद रखोगे कि हाँ शादाब भाई ने कितने अच्छे से समझाया, कितने अच्छे से गाइड किया, जी जाओ सीधे अपने सऊदी से मिलो, जाके मुसाफा मिलाओ, सलाम जी दुआ करो, प्यार से पैसा हो, ये आपकी जो बात का तुम्हें मुझे, सहूलियत वो दें उस वक्त में जी ले लो, किसी के बहकाए मांगे उसमें लात ना मारो, बिल्कुल जो उस बिल्कुल वक्त में तुम्हें सहूलियत दे रहे हैं वो ले लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखो किसी से काम कराना और किसी से काम लेना हमारे हाथ में है, बिल्कुल जितना हम प्यार से, अरे सर थोड़ा सा फ्रिज नया दे दो, अरे जी, सर जरा थोड़ा चारपाई अच्छी दे दो, प्लीज प्लीज, वो प्लीज जैसे तुमको ना प्लीज, वो खराब भी होगा ना, ओके ओके, और तुम सही, किसी के बहकाए हो, अरे दादा खरबान दूसरा दो मुझे, तो फर्क आ गया, बुरा लग जाएगा, सही कह रहे हैं शादाब भाई, ये जो आपने जाओ बातें मुझे बताई है, पक्का उसका मुझे ज़रूर इंशाल्लाह वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। 100% फायदा मिलेगा आपको, थैंक यू शादाब भाई, थैंक यू सो मच जाइए मेहनत कीजिए पैसा कमाइए जी शादाब भाई। अपने जीवन के लिए। जितने भी लोग इंडिया से सऊदी अरब जाते हैं तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें
जो मैंने बातें बताई, यकीनन यकीनन फ़ायदा होगा और एक कामयाब ज़िंदगी इंशाअल्लाह ऊपर वाला आपको देगा।